वेलकम बैक टू ऑल। आज का वर्क हम लोग इस आर्ट बुक से करेंगे। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक ट्री को कैसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन। तो हमें इसके लिए एक स्केच पेन लेना है। मेरे पास इस वक्त ये बुक है जिसमें ऑलरेडी इस ट्री की लाइन ड्राइंग की गई है, लेकिन बाय चांस अगर किसी के पास ये बुक नहीं है और वो ट्री बनाना सीखना चाहते हैं तो वो किसी भी एक रफ शीट में या फिर अपने ड्राइंग फाइल में इस ट्री की आउटलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो कलर यूज़ करेंगे वो करेंगे लाइट स्केच पेन। से पहले भी प्रीवियस में वीडियो में बताया है कि हम येलो कलर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शो करता है कि हमारी सनलाइट का डायरेक्शन यहाँ पर है। आपने देखा होगा अक्सर हमारे ट्री में येलो कलर के शेड आते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ सन की लाइट पड़ रही है। सेम हमें अपनी ड्राइंग में भी इम्प्लीमेंट करना है। हम येलो कलर वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर सन की रेज हमारे ट्री में पड़ रही है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारा येलो कलर का शेड कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे लाइट ग्रीन कलर का स्केच पेन। आपने देखा होगा जब हमारे पास स्केच पेन के शेड होते हैं तो उसमें एक जो है लाइट स्केच पेन होता है ग्रीन कलर का और एक थोड़ा डार्क कलर का होता है। तो इस वक्त जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं लाइट ग्रीन कलर का स्केच पेन, और इसको आप सिंपल लाइंस के थ्रू जैसे स्केचिंग्स करते हैं, जिस तरीके से स्ट्रोक्स बनाते हैं, तो हमें लाइंस के स्ट्रोक्स लेने हैं। हमें लाइंस लेनी है और जहाँ जहाँ भी हमें लाइट कलर दिख रहा है ग्रीन का, हम उस जगह ये ग्रीन कलर को यूज़ करेंगे। इस तरीके से जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सन की लाइट नहीं पड़ रही है, और यही हमें पूरे ट्री में करना है। अब जब हमारा लाइट ग्रीन कलर का शेड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरे ट्री में, देन हम सेकंड कलर का यूज़ करेंगे और वो करेंगे ग्रीन का ही डार्क टोन। मींस हम डार्क ग्रीन कलर का स्केच पेन लेंगे फॉर शेडो। सिंपल सी बात है, अगर किसी ट्री में लाइट पड़ रही है तो इसका मतलब उस ट्री में शेडो भी पड़ेगी, और शेडो को हम जब शो करते हैं तो वो करते हैं डार्क कलर से। और शेडो के लिए हम लोग लेंगे डार्क ग्रीन कलर का स्केच पेन। और इस तरीके से हमको डार्क ग्रीन स्केच पेन का यूज़ करना है टॉप टू बॉटम। टॉप में थोड़ा कम शेडो होगा और जैसे जैसे हमारा ट्री नीचे को आता रहेगा तो हमारे शेडो का स्ट्रोक्स भी बढ़ते रहेंगे, लाइक दिस। जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़्यादा डार्क टोन दिख रही है, ज़्यादा ज़्यादा शेडो दिख रही है, तो हम वहाँ पर डार्क कलर का स्ट्रोक्स को भी बढ़ा देंगे।
आफ्टर शेडो अब हम आते हैं ट्री के लोअर पार्ट में, नीचे के पार्ट में। सेम इम्प्लीमेंट हमें यहाँ भी करना है, पहले हम लोग देंगे लाइट टोन, देन मिडल टोन और लास्ट में देंगे डार्क टोन। लाइट टोन के लिए मैंने इस कलर का शेड ले लिया है, मिडल टोन के लिए हम लोग ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे। और हमें ब्राउन कलर जब यूज़ करेंगे तो हमें लाइट का ध्यान देना होगा कि कहाँ कहाँ जो है वो लाइट पड़ रही है, ठीक है। और नीचे के साइड में थोड़ा सा सनलाइट भी आती है, इसीलिए हम लोग येलो कलर का यूज़ कर रहे हैं। देन लाइट शेड होने के बाद हम लोग शेडो के लिए डार्क ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे। डार्क ब्राउन कलर का यूज़ हम लोग मिडल टोन और शेडो के लिए करते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डार्क टोन की नीड है, जैसा कि आपको रेफरेंस में भी दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपको डार्क कलर लग रहा है आप वहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जिनके पास बुक है वो बुक में कर लीजिए, और अगर किसी को सीखना है कि स्केच पेन से किस तरीके से एक ब्यूटीफुल ट्री क्रिएट किया जा सकता है तो वो इसकी प्रैक्टिस किसी भी रफ शीट में या फिर ड्राइंग फाइल के पेजेस में कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम डार्क टोन करते हैं और हमें लगता है कि नहीं यहाँ पर भी अभी भी थोड़ी लाइट की कमी है और लाइट टोन और होना चाहिए, तो हम उस कलर का यूज़ दोबारा से कर सकते हैं। जैसे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ डार्क टोन हो गया है पर यहाँ थोड़ा सा लाइट की कमी है, तो मैं इस स्केच पेन का यूज़ यहाँ पर दोबारा कर सकती हूँ। और अब फाइनली हमारा ये ट्री जो है वो रेडी हो गया है, जिसमें अच्छे तरीके से सनलाइट पड़ रही है, शेडो भी आ रही है, मिडल टोन भी दिख रहा है।